खबर दानापुर से है, जहां मद निषेध विभाग की पैनी नजर से शराब माफिया नहीं बच पाए। जी हां, इस बार शराब माफिया भारतीय डाक विभाग का पार्सल वाहन को शराब ढोने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन दानापुर मद निषेध विभाग की कड़ी नजर से वह बच नहीं सका। दानापुर पुलिस की मदद से मद निषेध विभाग जब आर्य समाज कृष्णापुरम रोड में भारतीय डाक विभाग के पार्सल वाहन को रुकवा कर उसकी जांच की, तो उसके अंदर 250 कार्टून अंग्रेजी शराब मौजूद थी, जिसे बरामद कर लिया गया है। डाक विभाग की गाड़ी को ले जा रहे दो कारोबारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक का नाम विक्की कुमार और दूसरे का नाम मंतोष कुमार बताया जाता है। बताया जाता है कि 2160 लीटर शराब इस सरकारी वाहन में छुपा कर ले जाया जा रहा था। डाक विभाग की गाड़ी कहां की है यह पुलिस पता लगाने में जुटी है, लेकिन जो नंबर है उसे यह पता चलता है कि वह यूपी का है। डाक विभाग की गाड़ी का नंबर UP 81 BF 4016 बताया जाता है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर यह असली नंबर है या डाक विभाग का यह पार्सल मायने में सही में यूपी डाक विभाग का है। ब्यूरो रिपोर्ट। दानापुर थाना क्षेत्र से यहाँ पर करीब 2100 लीटर इंग्लिश लिकर बरामद हुई है। ये एक पिकअप वैन से बरामद हुई है, जो कि इंडिया पोस्ट के नाम से पेंटेड है और इसमें यूपी का नंबर है, और इसमें हम लोगों ने दो लोगों को अरेस्ट किया है, साथ ही तीन बाइक भी जब्त की है। क्या ये वैन पोस्ट ऑफिस का है या फर्जी तरीके से बनाया गया है? इसको प्रथम दृष्टिया इसको देखने से एग्जामिन करने से लग रहा है कि इस पे जो नंबर है वो फर्जी नंबर है, और जो उस पे पेंट हुआ हुआ है इंडिया पोस्ट का वो भी ऐसा लग रहा है कि फर्जी है और पुलिस को चकमा देने के लिए ऐसा पेंट किया गया था, और ये सरकारी गाड़ी नहीं लग रही है प्रथम दृष्टिया, लेकिन इसमें अभी हम लोग और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कितने लोग धराए हैं सर? अभी दो लोगों की अरेस्टिंग हुई है और बाकी इनसे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूछताछ चल रही है। अभी इसमें और भी जो लोग इन्वॉल्व हैं उसमें भी जल्दी अरेस्टिंग होगी। कहाँ से ये दानापुर? ये नया टोला एरिया से दानापुर है, वहाँ से गिरफ्तारी हुई है। क्या कर रहे थे ये लोग? इनका मेन रोल था कि ये गाड़ी मंगा रहे थे जिसमें शराब थी, और यहाँ आकर के इसको सुनसान एरिया में लगा करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करते शराब को, और फिर वहाँ से अलग अलग जगह पे इसको पहुँचाते। इसमें करीब 2100 लीटर शराब है टोटल। पूछताछ में कुछ और पता चला कहाँ कहाँ ये शराब मिली? पूछताछ में कुछ कुछ हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है कि इसमें और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ कुछ उन्होंने नाम बताए हैं, और उसी आधार पे अब आगे छापामारी जारी है। ये दोनों रहने वाले कहाँ के? ये दोनों यही दानापुर थाना क्षेत्र के हैं।